हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्याज की बेसन वाली सूखी सब्जी। तो फ्रेंड्स आइए देखिए इस सब्जी को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 2 चम्मच बेसन। अब मीडियम फ्लेम पर बेसन को 2 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस बेसन का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए इतना ही भूनेंगे इसे। तो ये देखिए बेसन अब अच्छी तरह से भून चुके हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 3 प्याज और प्याज को इस तरह से मोटा काटा है और इसके पेटल्स को अलग कर लेंगे जिससे कि ये सब्जी बहुत ही सुंदर लगेगी देखने में। तो चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुकी है तो इसमें डालेंगे तेल। 3 छोटा चम्मच तेल डाला है मैंने और इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच सौंफ। जीरा और सौंफ जब अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें मिला देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। मैंने यहाँ पे 3 बड़े लहसुन को काट के लिया है और इन्हें भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जिनको कि हमने बड़े टुकड़ों में काट के इसके पेटल्स को अलग कर लिया था। ये देखिए अब हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और प्याज को भूनेंगे। तो 2 मिनट तक प्याज को मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाने तक भूनना है। तो अब इसका कलर चेंज होने लग रहा है, पकाना नहीं है प्याज को हमें बिल्कुल भी। तो जब ये हल्का सा कलर चेंज हो जाए इसका और ये हल्के से गुलाबी कलर में आ जाएंगे प्याज, तब हम इसमें मिला देंगे हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और इन सभी मसालों को प्याज में अच्छी तरह से भून लेंगे। इस समय गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर मसालों को मिक्स करके भुनेंगे। इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम मिला देंगे आमचूर पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब्जी चटपटी लगेगी खाने में। और आमचूर पाउडर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर, और इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में काटा है टमाटर को, और प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि टमाटर और प्याज को हमें पूरी अच्छी तरह से गलाना नहीं है, इसलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो बेसन भून के रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी की। और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे, मिक्स करते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए ढक के पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे ढक के पकाएंगे। और अब हम ढक्कन हटाते हैं और मिक्स कर लेंगे। अब ये सब्जी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, क्योंकि हमें प्याज में हल्का सा क्रंच भी चाहिए, इसलिए हम प्याज को गला नहीं रहे हैं अच्छी तरह से। लास्ट में धनिया पत्ता मिला देंगे और फिर ये सब्जी बन के तैयार हो चुकी हुई है। मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से कुछ प्याज लेकर कि हमने इसको पूरी अच्छी तरह से गलाया नहीं है, बस हल्का सा जब ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं तभी हमने बाकी सभी प्रोसेस करने स्टार्ट कर दिए थे, ये देखिए। और इस सब्जी में हल्का सा क्रंच होता है प्याज का, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और चटपटा होता है ये सब्जी खाने में। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये प्याज की बेसन वाली सब्जी बन के तैयार है। जब आपको कोई सब्ज़ी समझ ना आए कि क्या बनाएं तो ये प्याज की सब्ज़ी बनाइए और खाइए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए।